अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही खैरियत और अच्छे से होंगे। और अभी हम लोग अभी तलेगांव आए हुए हैं, और यहाँ से तलेगांव से आने के बाद हम लोग यहाँ से अभी चलेंगे कल्याण की तरफ, क्योंकि कल्याण से हम लोग एक ट्रेन एक्सप्रेस है, और उस ट्रेन से हम लोग अभी सफ़र करेंगे तकरीबन 3 दिन का। तो आप सोचिए और मुझे हम सबको बताइए कि ये जो 3 दिन का सफ़र है ये कहाँ के लिए है, क्योंकि इसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। अभी ये स्टार्टिंग है और रात को अभी 4 बजने वाले हैं। अभी हमारे ट्रेन का अनाउंसमेंट पूरे तरीके से हो चुका है, तो बस कुछ ही देर में इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिस स्टेशन पे ये ऐसी सीटें रहती हैं वहाँ आपको वेट करना कम से कम कंपलसरी रहता है, या तो 2 घंटे या तो 1 घंटे। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेन जब हम लोग रूम से निकले थे वो ट्रेन वहाँ से रवाना हो गई थी, मगर रास्ते में उसका कुछ रूट की वजह से उसको घुमाना पड़ा, या फिर वो रास्ते में रुकी हुई है। तो हम लोग उस ट्रेन को रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद यहाँ से निकलेंगे कल्याण, और कल्याण से तकरीबन उस ट्रेन को हम रिसीव करेंगे, जो हमारा उस ट्रेन से तकरीबन 36 घंटे का सफ़र है। एक्स्ट्रा भी हो सकता है, क्योंकि वो ट्रेन बीच में से डाइवर्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा सफ़र कैसा रहा और कहाँ के लिए हम सफ़र कर रहे हैं। तब तक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये सफ़र कहाँ के लिए हमारा है।